एसटीएफ मुजफ्फरपुर की टीम ने हार्डकोर महिला नक्सली रेणु देवी उर्फ मंसूरी देवी उर्फ मंसूरी दीदी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी सरैया थाना के चैतपुर ओपी के रामकृष्ण दुबियाही स्थित उसके आवास से की गई है। एसटीएफ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद मंसूरी दीदी को कुढ़नी थाने के हवाले कर दिया है। सोमवार को उसे विशेष कोर्ट में पेश किया गया। क्या मामला है, नक्सली पकड़ाई है? जी चालू है, नक्सली पकड़ाई है, इनको हमको कोर्ट लेके जाना है और रिमांड कराने के लिए। अब डिटेल जानकारी डीएसपी साहब बताएंगे या थाना प्रभारी बताएंगे। कब गिरफ्तारी हुई, किस आरोप में गिरफ्तारी हुई? कांड संख्या है, कुढ़नी कांड संख्या है 83/13। जी आरोप क्या है? और सकरा थाना का कांड संख्या है, सकरा थाना कांड संख्या में भी है और उसमें अपराधिकी अभियुक्त है ये। विशेष जानकारी वही थाना प्रभारी बताएंगे। क्या नाम है महिला का? महिला मंसूरी देवी नाम। न्याय हिरासत में भेज रहे हैं। हाँ, न्याय हिरासत। बता दें कि मंसूरी दीदी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के कुढ़नी सकरा करजा सरैया और बगहा के लोकरिया थाना में आधा दर्जन नक्सली केस दर्ज है। फिलहाल सभी थाने की पुलिस अपने अपने कांडों में मंसूरी को न्यायिक रिमांड कराने की कवायद करेगी। मुख्य धारा में नहीं जुड़ी थी? मुख्य धारा में किस आरोप में भेजा जा रहा है जेल आपको? क्या आरोप है? नक्सली का आरोप है जी। पता है ना जी, ये लोग हमको जीने नहीं देंगे। घर कहाँ हुआ? दुबियाही। हाँ, दुबियाही थाना कुढ़नी। नहीं, थाना तो सरैया। थाना सरैया था। पुलिस के मुताबिक मंसूरी दीदी वर्ष 2013 के अप्रैल में कुढ़नी स्थित तुर्की रेलवे स्टेशन के समीप हरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप को उड़ाने के मामले में कुढ़नी थाने में नामजद थी। इसके बाद से वह फरार चल रही थी। इस बीच एसएसपी ने पुराने मामलों की समीक्षा भी की थी, जिसके बाद मंसूरी दीदी की गिरफ्तारी का उन्होंने आदेश दिया था। एसटीएफ मुजफ्फरपुर की टीम को जानकारी मिली कि वह अपने घर पर आई हुई है। इसके बाद टीम ने शनिवार की देर रात जैतपुर ओपी के रामकृष्ण दोबियाही गांव में छापेमारी की, जहां मंसूरी दीदी पकड़ी गई। टीम ने पूछताछ की और फिर उसे कुढ़नी थाने के हवाले कर दिया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मंसूरी दीदी वैशाली सब जोनल कमेटी की सदस्य है। इसके अलावा विस्फोटक दस्ते की सक्रिय मेंबर भी है, बम बनाना भी जानती है। इसके अलावा जिले में घूम घूम कर नक्सली संगठन से जुड़ने, पिछड़ों के हक की लड़ाई आदि के मुद्दे पर महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती है। फिलहाल वह कई महीने से गायब थी। पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर में भी वो सक्रिय थी। 2-3 दिन पहले रामकृष्ण दोबियाही गांव आई थी, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।